धर्मांतरण मुद्दे को लेकर दुर्ग में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले एक दिवसीय सभा का आयोजन किया गया, जिसमें नारायणपुर में हुए घटना पर अपना आक्रोश जताया गया। बीते दिनों नारायणपुर में धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर हुई घटना में जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया और निर्दोष लोगों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल में डाला गया, इसी कड़ी में बुधवार को दुर्ग की पुराना बस स्टैंड में सर्व हिंदू समाज के बैनर तले एक दिवसीय सभा आयोजित कर अपना विरोध जताया। इस अवसर पर भाजपा के कई दिग्गज सहित पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति देकर मंच पर अपना संबोधन दिया। लेकिन आज भी सनातन धर्म वही का वही है और आगे भी वही है। ये आजादी के पहले शक आए, हुड़ आए, बहुत सारे लोग आए, औरंगजेब के समय में जो हुआ सबको मालूम है, इतिहास में हम नहीं जाएंगे। अंग्रेज जब आए, अंग्रेज के साथ साथ कुछ मिशनरीज भी आए और अंग्रेजों ने इस बात को देख लिया कि यहाँ की जो सनातन संस्कृति है, ये संस्कृति जब जब मजबूत होगी तब तब दुनिया पे जो कभी पहले दुनिया पे राज हम करते थे, जो सोने की चिड़िया हम कहलाते थे और जहाँ पूरा विश्व गुरु का स्थान इस समाज का था, वो सनातन धर्म के कारण था, हमारे अपने कर्मों के आधार पर था, हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कृत्यों के आधार पर हम दुनिया को एक दिग्दर्शक के रूप में जाते हैं। इस अवसर पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर निशाना लगाते हुए अपनी बात कही सर्व हिंदू समाज एकत्रित हुआ और तेजी से हो रहे धर्मांतरण पर अपनी आवाज बुलंद करते हुए लोगों को धर्म के प्रति जागरूक किया। साथ ही नारायणपुर में हुई घटना को लेकर आक्रोश जताया और कहा कि यदि जेल में बंद निर्दोष लोगों को जल्द रिहा नहीं किया गया तो आगामी दिनों में सर्व समाज के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। नारायणपुर की घटना हुई है, जैसे सभी को मालूम है, पूरे छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश को मालूम है कि नारायणपुर में क्या हुआ था। हमारे हिंदू भाइयों को जिस तरीके से प्रताड़ित किया गया, तो उसके लिए जो घटना हुई उसके लिए पहले हिंदू समाज ने 5 बार वहां पर आवेदन दिया था थाने में। जब थाने वालों ने कोई कार्रवाई नहीं किया, उसके बाद फिर सारे समाज, हिंदू समाज, आसपास के गांव वाले एक बैठक किए। बैठक करने के बाद वहां पर जो क्रिश्चियन लोग हैं, जो धर्मांतरित हो चुके हैं, वो आकर के वहाँ हिंदू भाइयों को मारपीट किए, सर फोड़े, मतलब इतने बहरम से मारे हैं कि 12 से 15 टाके आए, किसी के हाथ टूटे, किसी के पैर टूटे। जब ये बात 31 दिसंबर का है, 1 जनवरी को जब सभी गांव में आसपास में पता चला, तो सारे ग्राम के हिंदू समाज इकट्ठा हुआ। इकट्ठा होने के बाद जिस तरीके से आक्रोशित है, तो हिंदू समाज जब आक्रोशित होता है तो सदा कहा गया है हिंदू को छेड़ो मत, अगर छेड़ोगे तो फिर आप लोगों को सबक मिलेगा। तो चर्च टूटा, कुछ लोग मार खाए हैं, उसके चक्कर में हमारे जो भाई लोग हैं उनके ऊपर में FIR हुआ है। तो भाई ये जो FIR हुआ है वो गलत हुआ है ना, क्योंकि जब आवेदन दिया गया था तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया था, तो कानून हाथ में लेना मजबूरी हो गया था। जब वो मारे तो उसका तो प्रतिकार हमको देना पड़ेगा। हम प्रदर्शन का क्या, आज का प्रदर्शन उसी के लिए है, जो हमारे निर्दोष भाई लोग हैं, हमारे निर्दोष भाइयों को छोड़ा जाए और जो एक भाई की मृत्यु हुई है उसका जांच किया जाए। उनके ऊपर में जितने क्रिश्चियन हैं, जितने कन्वर्टेड हैं, सबके ऊपर में कार्रवाई किया जाए और जो पुलिस प्रशासन वहाँ उनका साथ दिया है। रासुका पे क्या बोलना चाहेंगे? रासुका पे तो मैं ये बोलना चाहती हूँ, हमार काका डर्रा गए हैं, तेकर से थी और रासुका लगाए के तैयारी करत है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।